मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होंठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। बढ़ते अगली खबर की ओर। महासमुंद जिले के बसना विकासखंड में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे पढ़े तुंहर द्वार कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। दरअसल मीडिया 24 न्यूज ने जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि दूरस्थ अंचल क्षेत्रों में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना पढ़ई तुंहर द्वार अभियान का व्यापक असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। वहीं महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के दूरस्थ अंचल क्षेत्रों में भी कार्यक्रम का परिणाम अच्छा परिलक्षित होने लगा है। जब मीडिया 24 न्यूज ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई करके काफी व्यापक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। आज प्रत्येक स्कूल से शिक्षक वर्चुअल क्लास पढ़ाई तुंहर द्वार आने शिक्षा व्यापक रूप से सार्थक साबित हो रहा है। बसना विकास खंड के संकुल केंद्र जमदरहा, चनाट, कोल्हिया, देवरी, अंकोरी जैसे बहुत सारे गांवों में यह कार्यक्रम व्यापक रूप से सफल हो पा रहा है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को कराई जाती है, जिससे बच्चों के साथ पालकों में भी खुशी साफ साफ नजर आ रही है। लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे घर बैठे शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद जिले के विकास खंड बसना में और आज हम विकास खंड बसना के शिक्षा विभाग कार्यालय में सहायक असिस्टेंट से सहायक विभाग साहब से बात करेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं तुंहर द्वार पढ़ाई योजना को लेकर के, जो शासन की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी, सुनते हैं उनकी राय। जी हाँ सर, सबसे पहले आपका मीडिया 24 न्यूज में धन्यवाद। और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, अभी जो शासन चला रही है बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तुंहर द्वार, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शासन द्वारा जो पढ़ाई तुंहर द्वार योजना चलाई जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जी। जैसे कि विश्व स्तर पे कोरोना काल संकट से सारा आम जन धन सभी लोग प्रभावित हुए हैं जी, जी। तो सभी विभाग ने अपने अपने कर्तव्यों को मूल रूप से करना प्रारंभ कर दिया था। शिक्षा विभाग में बच्चों का स्कूल नहीं खुल रहा था तो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने भी इस ओर ध्यान दिया। आदरणीय शुक्ला साहब ने इसे ध्यान दिया, पढ़ाई तुंहर द्वार योजना लागू करवाया। इस योजना के तहत जी विभिन्न प्रकार के पोर्टल बनाए गए, अलग अलग लोगों को इसमें जागरूक किया गया जी, जी। इसमें पालक, शिक्षक, बच्चे, शासन जी, सभी वर्गों का विशेष योगदान रहा है जी। इसमें cgschool.in इस पोर्टल भी बनाया गया। इस पोर्टल में सभी शिक्षक जितने हमारे हैं सबका पंजीयन किया गया। पंजीयन करने के बाद जितने बच्चे जिसके पास मोबाइल है, मोबाइल होल्डर है जी, उनका पंजीयन किया गया जी। और उसके बाद फिर वर्चुअल क्लास, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनती है, वर्चुअल क्लास बनाया गया। प्रत्येक स्कूलों में वर्चुअल क्लास बना। उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू हुई ऑनलाइन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि पढ़ाई तुंहर द्वार। विभिन्न शिक्षकों को इस बारे में तकनीकी ज्ञान नहीं था तो उसको प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक लेवल, जिला लेवल में जिला नोडल बनाया गया, ब्लॉक लेवल में ब्लॉक नोडल बनाया गया। और जितने टीचर हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, कंप्यूटर की जानकारी ज्यादा रखते हैं, उनके माध्यम से इसको आगे बढ़ाया गया जी। और जो हमारे पुराने शिक्षक साथी थे जिसको थोड़ा सा असुविधा महसूस हो रही थी, उनको प्रशिक्षण देकर इसको और बेहतर करने का प्रयास किया गया जी। जी, पढ़ाई तुंहर द्वार जो है कैसे संचालन हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पढ़ाई तुंहर द्वार योजना जो है सर, ऑनलाइन पढ़ाई होती है जी।
जिसमें टीचर जो है एक ग्रुप बनाता है वर्चुअल क्लास जिसे कहते हैं और वेबएक्स एक ऐप है उसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है। उसमें सारे बच्चे जो है वो उसमें क्लास अटेंड करते हैं, टीचर उसको अपने घर से ही पढ़ाते हैं और जो डाउट्स रहते हैं वो अपने टीचर के पास रखते हैं। टीचर्स होमवर्क देते हैं बच्चों को, बच्चे उस होमवर्क को करते हैं, वापस उसको ऑनलाइन करते हैं टीचर, फिर उसको चेक करते हैं, फिर वापस करते हैं। कोई डाउट्स होता है उसको भी वो लोग टीचर जो है वो क्लियर करते हैं। इस योजना पर कौन कौन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इस योजना का सभी लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका है। शासन ने इसको शुरू किया, विशेष बधाई शासन को, धन्यवाद कि बच्चे भी इसे लाभान्वित हो, इसलिए इसने शासन ने जो लगाया है इसलिए शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षक वर्ग जो है प्रमुख योगदान उन लोगों का है और बच्चे इनका भी प्रमुख योगदान है। और सबसे बड़ी चीज है ऑनलाइन जैसे कि ये पढ़ाई होता है तो बच्चे चूंकि प्राइमरी लेवल से लेकर पूरा 12वीं मतलब सेकेंडरी लेवल तक का इसमें पढ़ाई हो रहा है तो जो पालकगण है उसकी महती भूमिका है इसमें, क्योंकि अगर टीचर जो है अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं और जो प्राइमरी के बच्चे हैं मिडिल के बच्चे हैं जिसको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है तो जो पालक होते हैं वो बच्चे के साथ बैठ के अपना टाइम स्पेंड करके बच्चों को पढ़ाई में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। तो इस योजना में तो सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। शासन से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? इस योजना के तहत बहुत सारे चुनौतियां हमारे सामने में आई हैं, जैसे कि लाभान्वित बच्चे जो हैं उसकी संख्या कम है, प्रयास कर रहे हैं उसकी लाभान्वित बच्चों की संख्या को आगे बढ़ाने का। जैसे कि एक ही परिवार में एक ही मोबाइल है और वहां पे बच्चे तीन चार बच्चे हैं तो एक ही मोबाइल में हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तीन चार बच्चों को, तो एक ही मोबाइल से तीन चार बच्चे उसमें लाभान्वित हो पा रहे हैं। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम अपने कवरेज के हैं तो अगर कवरेज का प्रॉब्लम शासन थोड़ा सा ध्यान दे तो ज्यादा बेस्ट होगा। जंगली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें कवरेज की होती है। मोबाइल का भी दिक्कतें हैं, कुछ पालकों से हमने संपर्क किया या टीचरों ने संपर्क किया तो डेटा का भी थोड़ा सा इश्यू आया है, उसके लिए उसे ध्यान दे तो ठीक रहेगा। मीडिया 24 न्यूज के माध्यम से आपको जो है जनता और दुनिया देख रही है, क्या कुछ संदेश करना चाहेंगे आप? मीडिया 24 के माध्यम से मैं टीचरों को संदेश दूंगा कि आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और कोशिश कीजिए कि इसको और बेटर करें। पालकों को संदेश दूंगा कि आप जो अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति विशेष ध्यान दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, विशेष धन्यवाद। आपको भी विशेष धन्यवाद देता हूँ मैं, जितने पालक जन है उसको और शासन को भी विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लागू किया पढ़ाई के बाद। और मुझे उम्मीद है कि यह योजना बहुत जल्द इसको बहुत गति प्रदान होगा। जैसे हमने समीक्षा किया हुआ था पिछले सप्ताह में तो हमारे संख्या लाभान्वित बच्चों की संख्या लगातार इसमें बढ़ रही है। मीडिया 24 न्यूज आपके सामने है, आप हमारे न्यूज चैनल का किस तरह से धन्यवाद करेंगे? मीडिया 24 का मैं विशेष धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारे इस छोटे से जो कार्यक्रम है पढ़ाई को हर बार यह रूप ले रही है, ये मीडिया के माध्यम से ही जन जन तक पहुंच रही है और लोग इसको समझ रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं आप मीडिया के माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार होती है। जैसा कि पता चला है कि ये मीडिया हाउस है मीडिया 24 तो सभी लोग इसको देख पाते हैं। मैं विशेष शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ कि हमारी सारी योजनाएं को आपने प्रसारित।